अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। हाल ही में महकमा मौसमियात ने ईद के चांद की एक ज़बरदस्ती पेशन गोई की है। उसके बाद वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी साहब भी पेशन गोई किए बगैर ना रह सके, तो फटाफट से मैदान में आ टपके। और वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का ये कहना है कि वज़ारत साइंस के बनाए गए कैलेंडर के मुताबिक शव्वाल का चांद 13 मई को नज़र आएगा और ईदुल्फितर 14 मई को होगी। हालांकि यही बात महकमा मौसमियात परसों की अपनी एक जारी किए गए नोटिफिकेशन में बता चुकी है। उन्होंने ये पेशगोई की है कि 14 मई को ईद हो सकती है और इस मरतबा रमज़ान के 30 रोज़े मुकम्मल होंगे। मगर फवाद चौधरी ने भी अपना ये बहुत बड़ा किरदार समझा कि क्यों ना मैं भी इस पर एक ट्वीट कर डालूं, तो धमक करके उन्होंने एक ट्वीट कर डाला कि अगर चाहे ईद उल फितर का हतमी ऐलान रुअत हलाल कमेटी ने करना है, ताहम वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के बनाए गए कैलेंडर और ऐप के मुताबिक शवाल का चांद 13 मई को नज़र आएगा।